जनपद सिद्धार्थ नगर के बांसी तहसील क्षेत्र के बांसी कस्बे के 70वां माघ मेले का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले, मेले के आयोजन के पूर्व जिले के जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान थाना प्रभारी अनुज सिंह, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित व मेला प्रशासक ईओ नगर पालिका बांसी मौजूद रहे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेले का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने मेला परिसर में स्वर्गीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आपको बताते चले, ये मेला हर वर्ष लगता है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगती हैं। झूला, सर्कस, मौत का कुआं, जादू आदि मेले के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। खजलहा मिठाई इस मेले की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, जो प्रदेश के कई जिलों में मशहूर है। हम लोग के द्वारा आज किया गया है, आज से लगभग एक महीने तक ये मेला चलेगा। इस मेले में सभी लोगों को योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया है। बहुत सारी दुकानें लगी है, सर्कस, झूला इत्यादि सभी लगा हुआ है। आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उससे लोग आएंगे और लोग आकर मेले का आनंद लेंगे और अपनी जरूरत का सामान भी यहाँ से खरीद कर लेके जाएंगे। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था है, जनता से क्या अपील है? प्रशासन के द्वारा समुचित ढंग से सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। यहाँ जितने अग्निशमन, सुरक्षा इत्यादि तमाम चीज़ें हैं और तमाम सफाई फाई की व्यवस्था सभी की गई है। जनता से केवल यही अपील है कि वो मेले में आए, मेले का आनंद लें और सुरक्षित ढंग से रहें। ये बांसी माघ मेले का उद्घाटन आज किया गया है। ये लगभग एक महीना ये मेला चलेगा। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही यहाँ पे UP 112 और फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी रहेंगी और साथ ही यहाँ पे एंटी रोमियो टीम्स भी लगाई गई है। और किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो मेले में लोग आए हुए, किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।